ये जाली नोट है, इन्हें सामान में छुपाकर सत्यनगर पहुंचा देना। तो ये है तेरा असली रूप। देवजी, मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी की आड़ में ये धंधा कर रहा है तू? मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा कुत्ते। किताबें मत गिराना, आज किताबें मत गिराना। अबे ए लड़की, तू अपने आप को समझती क्या है? मेरा नाम ए लड़की नहीं, रोजी है। चलो यार, ये तो रोज का ही झगड़ा है। तुम मुझे देखकर हर रोज किताबें क्यों गिराती हो? तुम्हें पता नहीं? मुझे क्या पता, मैं मैकेनिक हूँ, जोची नहीं। तुम फिल्म नहीं देखते? तुम्हारी किताबें गिराने से फिल्म का क्या संबंध? अरे फिल्मों में दिखाते हैं ना, जब किसी लड़की के हाथ से किताब गिर जाती है तो लड़का उसकी किताब उठाकर उसे देता है, फिर लड़की शर्माकर मुस्कुराकर कहती है थैंक यू, जैसे कि अब मैं कह रही हूँ। लड़का कहता है थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। फिर दोनों में लव, प्रेम, प्यार हो जाता है। चलो आज हम दोनों पिक्चर चलते हैं। कितनी बेशरम लड़की है, किसी राह चलते हुए लड़के से ऐसी बात करते तो शर्म नहीं आती है? हट, तू राह चलता थोड़ी है, तू तो मन चलता है, जो मन की राह पे चलता है उसे क्या शर्माना। ये एक फिल्म का डायलॉग है जो कल मैंने देखी थी। अब सीधे यहाँ से चली जा वरना। ठीक है, चली जाती हूँ, कल मिलेंगे, बाय। सुबह सुबह पनौती लगा के चली गई, अब मुझे ओझा मामा के घर जाना पड़ेगा। स्त्री प्रभाव जाए, धर्म बेटे को स्त्री कभी ना सताए, तू हमेशा कुंवारा रहे, तेरे जीवन में स्त्री कभी ना आए। लो उतर गई पनौती। तुम बहुत अच्छा करते हो बेटा, जो मेरी तरह स्त्री से दूर रहते हो। स्त्री परछाई मनुष्य को विनाश काल के पाताल में उतार कर उसका सर्वनाश कर देती है। दक्षिणा ये लो जा मामा। बड़ा मूर्ख है जो स्त्रियों से नफरत करता है। अरे भगवान करे तेरे भाग्य की सभी स्त्रियां मुझे मिल जाए। नहीं कुछ नहीं, सुबह सुबह धंधा हो गया। कितनी बुरी चोट लगी है, मैं दवाई लगा देता हूँ, थोड़ी जलन होगी फिर आराम आ जाएगा। तीनू भैया, तू यहाँ क्या कर रहा है? देखो ना, किसी ने डुगडुग को जख्मी कर दिया है, मैं इसे दवाई लगा रहा हूँ। मैं पागल हो जाऊंगा, डिंकी वहाँ दिन भर गाने गाते रहता है, तू यहाँ डुगडुग के साथ लगा रहता है। भैया रहीम चाचा कहते थे हमारे घर में गड़बड़ इसलिए होती है क्योंकि यहाँ कोई औरत नहीं है। फिर कभी ऐसी बात की तो तेरे दांत तोड़ दूंगा, चल घर चल। ओ धर्म बेटा। सुजा अंकल। हाँ। ओ बेटा, तुम अपना बाप का दौलत ठुकराकर जिस तरह मेहनत मजूरी करके अपने भाई लोग को पालता है ना, उसका अपन जितना भी तारीफ करें ना कम होगा। अरे नहीं अंकल, मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर मेरे भाई लोग नहीं होते तो मैं किसके लिए जीता। धर्म बेटा, आज अपन अपना गैरेज तुमको देने के वास्ते आया। ये जो तुम रोज सड़क पर भटक भटक कर लोगों को गाड़ी ठीक करता है ना, वो अपन को अच्छा नहीं लगता बेटा। और सच पूछो तो ये गैराज भी तुम्हारे फादर की अमानत है। जब अपन के पास पैसा नहीं था ना, तो तुम्हारे फादर ने अपन को पैसा दिया होता था ये गैराज खोलने के वास्ते। अब ये गैराज तुम संभालो बेटा, और अपन को पूरा भरोसा है कि तुम्हारी मेहनत से हमारा गैराज
एक दिन इस अखा शहर का सबसे बड़ा गैरेज होएगा, तुम्हारा धर्म गैरेज। दो से पने तीन, हम जिधर से गुजरे वो सफर हो रंगीन। एक से पने दो से पने तीन, हम जिधर से गुजरे वो सफर हो रंगीन। हमसा कोई होगा नहीं, अरे हमसा कोई होगा नहीं, लंदन हो चाहे हो चीन। तररम पम पम पम, एक से पने दो से पने तीन, हम जिधर से गुजरे वो सफर हो रंगीन। एक से बने दो से बने तीन, हम जिधर से गुजरे वो सफर हो रंगीन। नबल खाके चल, चोरी गोरी बाहे खाते तेरी राय, दिल मेरा जाए मचल। एक से बने दो से बने तीन, हम जिधर से गुजरे वो सफर हो रंगीन। Yeah!
साथ साथ सपने सजाते हैं मस्ती लुटाते हैं चाहे हो दिन चाहे रात हम एक दूजे का दामन न छोड़ेंगे मर जाएंगे लेकिन रिश्ता न तोड़ेंगे हम जो मिले तो है वही तस्वीर ऐसी हसीन करम पम 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 एक से बने दो दो से बने तीन हम जिधर से गुजरे वो सफर हो रंगीन एक से बने दो दो से बने तीन हम जिधर से गुजरे वो सफर हो रंगीन हम साथ कोई होगा नहीं हम साथ कोई होगा नहीं लंदन हो चाहे हो चीन तरम पम 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 एक से बने दो से बने तीन हम जिधर से गुजरे वो सफर हो रंगीन एक से बने दो से बने तीन हम जिधर से गुजरे वो सफर हो रंगीन किशो दादा मेरे पैसे वापस कर दो ये मेरे पूरे दिन की कमाई है गुची गुची मार गुची मार थैंक यू गुची यार दिलू कार्निवल में क्या लड़कियां आती हैं यार काली गोरी लंबी छोटी दुबली मोटी एक से एक टॉप क्लास आहिस्ता आहिस्ता अगर भैया को तेरी इन हरकतों का पता चल गया तो भैया कभी गैरेज से बाहर जाते हैं क्या हाँ कभी कभी सामान खरीदने मार्केट जरूर जाते हैं बाकी ना आना ना जाना ना किसी से मिलना अरे अगर भैया की तरह लड़कियों से नफरत करने लगे ना तो चल चुकी जिंदगी अरे दिनू तुझे क्या बताऊं जब लड़कियां यहां सर रखती है ना अरे जैक लगा तो मर गया अरे इसीलिए तो कहता हूं कि भैया की बात को भगवान की लेख समझकर हमेशा माना कर तू समझता ही नहीं कमाल आदमी है या लीडर खड़े खड़े भाषण बदल दिए भैया भैया इसलिए मैं भैया की हर बात नोट करता हूँ और मैंने ये भी फैसला कर लिया है कि भैया के उसलू की किताब छपाऊंगा ताकि वो किताब पढ़कर लोग भैया के बताए हुए रास्ते पर चल सके आस्ते, आस्ते, भैया आस्ते। ये क्या है ये कैसे बाल बनाए तूने नहीं 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 ऐसे बाल नहीं बनाना कभी हम लोग ऐसे बाल बनाना जो है बहुत गलत माना जाता है ऐसे ये है ये चपटे करके देखो अच्छा तू रोज बस यहाँ से कहाँ जाता है भैया कार्निवल वो तो नहीं आती है ना वो क्या भैया अरे लड़की लड़की ये क्या चीज वो अच्छा अच्छा वो जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं जो मुंह में लाली वही ना मतलब वो लोग नहीं आते हैं वहां तो सब स्कूल के बच्चे आते हैं छोटे छोटे और मैं उनके साथ झूला झूलता हूँ आंखों को क्या ठंडक पहुंच रही है यार ये भगवान ने लड़कियां बनाकर हम जैसे पर बहुत बड़ा एहसान हाँ। किया है? ये रॉबिन क्या कर रहा है यहाँ साला फिर लड़की लेकर आया चल इसकी लड़की उड़ाते हैं हाँ चलो चलो मगर कैसे कैसे अरे लड़की को जगह कह देंगे सलाह शादीशुदा है इसके बच्चे भी हैं बच्चे हाँ। मगर वो तो कुंवारा है लड़की थोड़ी मानेगी अबे यार ये मुझ पे छोड़ना Thank you.
अंकल हैं? अंकल नहीं, दोस्त हैं। आप उन्हें जानते हैं? हाँ, मतलब मैं इनकी दूसरी बीवी को जानता हूँ। दूसरी बीवी? हाँ, इसकी पहली बीवी मर गई, इसलिए दूसरी शादी करनी पड़ी। ये कैसे हो सकता है? वो तो कह रहा था कि वो मुझसे शादी करेगा। इसका मतलब रॉबिन तीसरी शादी कर रहा है। उसके बच्चों का क्या होगा? उसके बच्चे भी हैं? चार, बड़े मासूम और भोले। रास्कल, कमीना, झूठा कहीं का। उसने मुझसे ये सब बातें छुपा कर रखी। आज के बाद मैं उस मनुष्य की शक्ल तक नहीं देखूंगी। ये तो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना भगवान जो करता है सब अच्छे के लिए करता है। माधुरी जी। माधुरी नहीं, भावना। भावना, कितना सुंदर और शीतल नाम है। और वो कमीना आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा था। ची 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 ची। चलिए आप मेरे साथ चलिए। भावना जी, ये भिखारी आपको बहन जी कह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, शादी को क्या करना वाला? अबे भीख मांग रहा है, शादी की बात कर रहा है। शादी भावना, मैं बहरा है। समझ गया, आपको बहन जी कह रहा है, इसने आपको प्यार से बहन जी कहा है, तो आप अपने शुभ हाथों से इसे कुछ भीख दे दीजिए। क्या हो रहा है? मुंह लटका क्यों खड़े हो तुम लोग? नाके पे ना नया क्लब खुला है, कल रात पगार मिलते ही हम सब वहाँ जुआ खेलने चले गए। सारी पगार हार गए दीनू भैया। हमारे साथ चीटिंग हुई है हमारे साथ। तुम कुछ करो ना दीनू भैया, नहीं तो सारा महीना हम लोग भूखे रह जाएंगे। क्या बे? चुप। फाइटिंग करेगा। पहले वादा करो कि आज के बाद तुम लोग जुआ नहीं खेलोगे। वादा करते हैं, हम आज के बाद जुआ नहीं खेलेंगे। ठीक है जी, आज रात को हम दोनों क्लब जाएंगे। बच्चे शो कर। तू खुली चीटिंग करके जा रहा है? हाँ, ये खुली चीटिंग है जो तूने भी मेरे वर्करों के साथ किया था। मैं उनके पैसे लेकर वापस जा रहा हूं। तू यहां से पैसे लेकर नहीं जा सकता। क्या
कल कुछ ही सारे पैसे मिल गए। आप लोग पूरे कपड़े पहने रहे तो अच्छा है, वरना इंसान तो इंसान जानवर भी बिगड़ने लगे। चले चल। वो तो अच्छा हुआ कि क्लब में पुलिस नहीं आई, वरना सब गड़बड़ हो जाती। तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए तुम और गैविन ये शहर छोड़कर चले जाओ। मैं नीचे जाता हूं, कुछ नए कस्टमर आए हमारे नोट खरीदने के लिए। दोस्तों, आज जुर्म की दुनिया में दो ही चीजें मशहूर हैं, एक प्रजापति का नाम और दूसरा इनका काम, ये जाली नोट बनाते हैं। इन जाली नोटों का भाव क्या है? दो का एक। मतलब ये कि जितने जाली नोट आप मुझसे लेंगे उसका आधा असली नोटों में मैं आपसे लूंगा। 2 लाख जाली नोटों के बदले में 1 लाख असली नोट हमें मंजूर है। आप अपने ऑर्डर्स हमें लिखवा दीजिए, डिलीवरी हम आपको अपने ट्रक्स में कर देंगे। थैंक यू। तुम वर्मा ट्रांसपोर्ट की यार्ड में जाली नोट सारे हिंदुस्तान में भेजते हो, अगर माँ बेटे को पता चल गया तो? उन माँ बेटे को कभी पता नहीं चलेगा, उन्हें मुझ पर इतना भरोसा है कि वो बिजनेस की तरफ ध्यान ही नहीं देते, बस मैं जहां कहता हूं साइन कर देते। और कुछ? हाँ मैडम, ये कुछ ब्लैंक चेक्स हैं, इन पर भी साइन कर दीजिए। माँ, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। लेकिन रॉबिन, कल ही तो तूने 10,000 लिए थे। लेकिन इतने पैसों का तू क्या करता है? मैंने तुझसे कितनी बार कहा, ये दोस्तों को छोड़ ऑफिस जाना शुरू कर, मैनेजर साहब का हाथ बटा। मैडम, अभी ये बच्चा है, काम करने के दिन थोड़ी हैं इसके, और फिर करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस है, ये पैसा खर्च नहीं करेगा तो और कौन करेगा? ये लो बेटे। थैंक यू मैनेजर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू माँ। अच्छा मैडम, चलता हूँ, गुड नाइट। मालकिन, मेरी इतनी औकात तो नहीं कि आपसे कुछ कह सकूं, लेकिन बरसों से इस घर का नमक खाया इसलिए चुप भी नहीं रह सकता। आप मैनेजर साहब पे इतना विश्वास करके अच्छा नहीं कर रही। नहीं रामू, मैनेजर बाबू हमेशा हमारा भला ही सोचेंगे। उनके जाने के बाद मैं तो पूरी टूट गई थी। अगर मैनेजर बाबू ने हमारा कारोबार ना संभाला होता तो हम बर्बाद हो गए होते। मैनेजर बाबू हमसे कभी धोखा या गद्दारी नहीं करेंगे। बॉबी, तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने जिंदगी में प्यार किया। सुनो, तुम्हारा नाम नरेन है। कौन नरेन? तुम कोई भी हो, देखो तुम्हें ढूंढते हुए कौन आया है। साहिबा। ए, ये कौन है? साहिबा, मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारी गंगा। गंगा? ये वो गंगा है जिसे तुम पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने गए और मैं लेकर के चले आए। ए, यारे, मैं किसी गंगा वंगा को जानता नहीं। अरे मेरा यकीन मानो, मैं इसे जानता नहीं। मुझे नहीं पहचानते? कोई बात नहीं, मुझे ना अपनाओ, मगर अपनी धरोहर, अपनी निशानी को तो अपना लो। मैं इसे तुम्हारे पास छोड़कर चली जाऊंगी। गंगा भी कभी एक जगह रुकी है, गंगा को तो बहना है और मैला होना है। ना गंगा ना, तू चल मेरे साथ। नहीं, ठहरो रिंकी, मैं तुम्हें इस तरह गंगा को ठुकराने नहीं दूंगी। तुम्हें इसे और अपने बच्चे को अपनाना ही होगा। मगर ये मगर वगर कुछ नहीं, तुम इस तरह गंगा को नहीं छोड़ सकते। अगर तुम्हें जरा सी भी इंसानियत है तो इसे अपना लो, इसे ले जाओ अपने साथ। चलो जाओ, चलो जाओ। आओ बालक, अपना घर बना। जाओ। आ हा हा, राम तेरी गंगा मैली होने से बच गई। चल कुत्ते, जा, जाओ। चलो गंगा। ए बाबूजी, कैसी रही हमारी एक्टिंग? एक्टिंग? हाँ, असल में हम एक धोबन हैं और फिल्मों में हीरोइन बनना चाहते हैं, लव स्टोरी में। और जो बाबूजी है ना, जो हमें साथ लेकर आए हैं, उन्होंने कहा कि आप बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं और अगर हमने आपके सामने अच्छी एक्टिंग की ना तो आप हमें हीरोइन बना देंगे। अच्छा? हाँ। अब तुम जाओ, किसी दिन फुर्सत में तुम्हें हीरोइन बना दूंगा। डिंकी, आज रॉबिन ने तुझे मात दे दी,
अब तू देखना उसकी मौत का बंदोबस्त मैं कैसे करता हूं, क्योंकि रॉबिन ये नहीं जानता अंदर जो लड़की बैठी है ना वो किसकी बेटी है। किसकी? गामा पहलवान की। क्या जमाना आ गया, शरीफ घर की बहू बेटी को तो घर से निकलना ही मुश्किल हो गया। जगह जगह बदमाश लोग शरीफों के भेष में भोली वाली लड़कियों का शिकार करने बैठे। आज फिर एक बदमाश एक शरीफ लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है। थू, 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 थू। मुझे तो उस लड़की के बाप का सोचकर दुख हो रहा है। ये गामा पहलवान जी कहां रहते हैं? गामा पहलवान मैं हूँ। अरे तो फिर यहाँ क्या वजन उठा रहे हो, जल्दी जाओ और अपनी लड़की की इज्जत बचाओ, वरना वो बहु रुपया तुम्हारी बेटी को याहू याहू याहू। कहाँ है वो? आ हा हा हा, आपकी हाथ की रेखाएं ये बता रही हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर एक ऐसा अजनबी आने वाला है जो पिटने वाला है। अरे काले जा रहे हो, अरे काले जा रहे, छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो। आप कौन है? सुनिए, ये आपका रुमाल। मैं रुमाल नहीं, तौलिया इस्तेमाल करता हूँ, कितनी मर्जी बताऊंगा। अच्छा, तोबा तोबा तोबा, अच्छा बेशरम लड़की है। अब मैं लड़की नहीं, औरत हूँ। चलो यार, ये तो रोज का है। एक बात मैं तुझे आखिरी बार कह देता हूँ, मुझे औरतों से सख्त चिढ़ है, चिढ़ है, चिढ़ है। और मुझसे? तुझसे नफरत है। और मुझे तुमसे प्यार है। ओ, अंकल। ओ, ओ, क्या रहे? आप वहाँ जाकर झगड़ा करो ना, हमें यहाँ खेलना है। अबे। ए, चलो ना पिक्चर देखने, आज अलबेला लगी। चलो चलो चलो। टट 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 टट। ये क्या किया? क्या किया? छू लिया। सुबह सुबह एक औरत ने मुझे छू लिया, पनौती लगा दी। मैं गैरेज जाऊंगा, गैरेज में पनौती लग जाएगी। मुझे पनौती को उतारने के लिए ओझा को बुलाना पड़ेगा। ओझा मामा। स्त्री प्रभाव टूटे और इस जग में नर नारी का साथ हमेशा के लिए छूटे। धर्मराज तुम्हारा काम हो गया। पंडित जी मेरा कुछ करो, मैं लड़कियों को देखता मेरे तन बदन में आग लग जाती है, मुझे कुछ छुटकारा दिलाओ प्लीज इससे। आओ धर्मराज। एक बात बोलू धर्मराज? क्या? ये रोज रोज के झंझट से छुटकारा पाने के लिए एक दवा है मेरे पास। ये लो नसवार। ये मेरे किस काम की है? चुटकी भर नसवार सूंघोगे तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम मस्ती की दुनिया में खो जाओगे और एक नए इंसान बने रहोगे। हमेशा के लिए? नहीं तो जब तक इस नसवार का असर रहेगा तब तक। उसके बाद जब तुम छींकोगे तो उस दुनिया से इस दुनिया में वापस आ जाओगे। भिखारी बाबा। भिखारी बाबा? अरे कौन भिखारी? कौन है आप? अरे मैं ओझा हूँ, ओझा। कौन सा बोझा? बोझा नहीं ओझा, भूतनाथ राम से आप मर्दों के ऊपर से लड़कियों का भूत उतारने वाला। कितने बेशरम आदमी है आप, जो लड़कियों को भूत समझकर मर्दों के ऊपर से उतारते हैं। अरे वो तो अप्सराएं होती हैं जो स्वर्ग से उतर कर आती हैं, भगवान ने उन्हें प्रेम करने के लिए बनाया है और तुम उन्हें भूत कहते हो। धिक्कार है तुम पर, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। अरे ओझा मामा, ये क्या हुआ? गिर कैसे गए? पैर से टकरा के गिरे? इसीलिए कहता हूँ संभाल के चला करो, बुढ़े हो गए दिखाई देता नहीं है। लाए मुझे तुम क्या करोगे इसका? तुम्हें काम करना, चश्मा क्यों नहीं लगाते? कोई दिन किसी गाड़ी वाड़ी के नीचे आ गए तो फिर मैं इतना अच्छा ओझा कहाँ से लाऊंगा। ठहरो मैं काम करता हूँ। मेरी नसवार सुनकर मेरा ही सत्यानाश कर दिया है? नहीं नहीं कुछ नहीं। सुरेश जी, ये ओझा मामा को संभाल कर उनके घर ले जाना, ये बेचारे अंधे हो गए, रास्ता उधर यहाँ कहाँ देख रहे। कितना अच्छा आदमी बेचारा, जब भी लड़की का भूत चढ़ता तो उतार देता है। हे भगवान, मेरे इस गैरेज को लड़कियों से बचा के रखना। अंदर कोई है क्या? आज कोनी आए कहाँ? गैरेज बीच कोई हैगा? भीतर है क्यों आचे? लड़की
Is anybody there? यार एरिका? लड़की? अंदर के रहा है था? अंदर कोई छी? हाय, All India permit. कुछ जा डिंकी, कुछ जा. लड़कियाँ? आप लोग अंदर कैसे हैं? मैं बताती हूँ. आपके गैरेज का दरवाजा खुला था, उससे. दरवाजा खुला था? ये गुच्छी बंद करना भूल गया होगा. साला गुच्छी का है. क्या बात है? अरे लड़कियां, इनको डराने किसने दिया? देखिए नाराज मत होइए, हम सब एयर होस्टेस हैं. हम एयरपोर्ट ड्यूटी पर जा रहे थे, हमारी वैन खराब हो गई. प्लीज हमारी वैन ठीक कर दीजिए ना. देखिए आपकी वैन किसी और गैरेज में ठीक हो सकती है, यहाँ नहीं हो सकती. जाइए यहाँ से, चलिए. इतनी बारिश में हमें दूसरा गैरेज कहाँ से मिलेगा? वो मुझे नहीं मालूम, आप कहीं भी जा रहे तो बोलना जाने के लिए. लड़कियों से बात नहीं करता तो फिर कौन करेगा? भैया तू बात कर. नहीं भैया, ये लोग सचमुच तकलीफ में है, एक दिन अपना उसूल भूलकर इनकी मदद कर दीजिए. एक लगाऊंगा. काइंडली हेल्प अस प्लीज. प्लीज भैया. क्या मुसीबत है, तो काम कर, इनकी वैन ठीक कर दे और उनको बोल दोबारा गैरेज में नहीं आना. नहीं मैंने जाना. चल ए दिनो, उनसे कह दे कि आइंदा हमारे गैरेज में नहीं आए, क्योंकि मुझे भी लड़कियां पसंद नहीं है. हाँ. चल गुची पाने ले. चलिए चलिए चल संभाल लो. हाय सुनिए, आपका नाम क्या है? तीनू. आप यही रहते हैं? अब तक तो यही रहता हूँ, लेकिन आप जैसे लोग आने लगे तो एड्रेस बदलना पड़ेगा. वैसे इस गैरेज को अपना ही समझिएगा और मुझे भी. कभी भी जरूरत पड़ जाए आ जाइएगा, घर समझ के रह जाइएगा. कहीं अगर भूत से डर जाए तो मुझसे चिपक जाइएगा, अपना समझ के. चलिए चलिए, आप लोगों की गाड़ी ठीक हो गई है. चलिए. थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच. सुनिए क्या है. थैंक यू. हाँ ठीक है, बाय बाय. ये दिनू एक बात बता, ये वैन इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? भगवान करे इन लोगों की वैन रोज खराब हो जाए. तू लड़कियों को हमेशा मजाक समझता है, कभी दिल तेरा लग गया ना. देख भाई, अभी तक ऐसी लड़की तो आई नहीं जिससे मेरा दिल लग जाए. कितनी खूबसूरत लड़की है. रॉबिन? राधा जी, जो मेरे साथ हुआ है भगवान दुश्मन के साथ भी ना करे. मेरे पैदा होने से पहले मेरे माँ बाप मर गए, मेरी शादी होने से पहले मेरी मेरी बीवी मर गई. राधा जी मैं रंडवा हो गया, रंडवा हो गया. राधा जी मैं रंडवा हो गया, रंडवा. आमीन. राधा जी ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक फटी पतंग है. इसलिए मैं यहाँ पर आकर भक्तों की सेवा करता हूँ, मन को थोड़ी सी शांति मिल जाती है. जीवन में हादसे तो होते ही रहते हैं. देखो कल हम सब नर्सरी के टीचर्स और बच्चे ड्रामा देखने जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो, दिल बहल जाएगा. ठीक है मैं जरूर आऊंगा. तू ये क्या कर रहा है? जूते दे रहा हूँ, सेवा कर रहा है ना तू. चलिए संभाल ये ले. नहीं भाई साहब नहीं, अरे छोड़ दे, अरे भाई साहब, अरे मैं आओ आओ, तुम दोनों को बरसों से देखता हूँ, तुम लोग आज के ही दिन मंदिर में आते हो. आखिर आज के दिन में ऐसी क्या खास बात है? आज हमारे बड़े भैया का जन्मदिन है, हम हर साल आज के दिन यहाँ ये प्रार्थना करने आते हैं कि हमारे बड़े भैया का साया हमेशा हमारे सर पर रहे. भगवान तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करे.
चल नहीं भैया, भिखारियों से ऐसा बर्ताव नहीं करते। ये ले, ये ले, दो रुपए ले, जा जाके खाना खा ले। चल, जवानी में भीख मांगते शर्म नहीं आती साले। अरे अरे गुच्छी, जन्मदिन मुबारक हो भैया। ये तोहफा मेरी तरफ से और ये मेरी तरफ से। ला मेरे भाई, क्या है? वाह, अरे ये तो हाँ? एक जैसे ही है। दिनू, तुझे मेरी तरह पैंट शर्ट खरीदने की क्या जरूरत थी? तूने मुझे खरीदते हुए देखा होगा, तूने मेरी कॉपी की। अरे तूने मेरी कॉपी की है। अरे रे रे, झगड़ा मत करो। क्या है, तुम दोनों के दिलों में मेरे लिए एक जैसा प्यार है ना, इसलिए तोहफे भी एक जैसे उठा लाए तुम लोग। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? आज आपका जन्मदिन है ना, इसलिए मुबारकबाद देने चली आई। हैप्पी बर्थडे। ए दगड़ू, क्या है? जरा देख तो, रोजी जी भैया के लिए क्या लाई है। भैया देखने में क्या जाता है? अरे पैंट शर्ट। रोजी भी बिल्कुल हमारी तरह तो। अरे उसका दिमाग खराब है। हमारे तोहफे एक जैसे हुए तो भैया ने कहा कि हम दोनों का प्यार भैया के लिए एक जैसा है। रोजी भी वही तोहफा लेकर आई, इसका मतलब रोजी का प्यार भी भैया के लिए एक। क्या बोला? नहीं भैया, गलती होगी, मैं उल्टा जा रहा हूँ। हम दोनों का प्यार एक जैसा है, रोजी प्यार नहीं करती। नीचे देख, तू जा, रोजी का तोहफा अभी दे। मैं लड़कियों से बात नहीं करता। मैं देकर आऊं? मैं भी लड़कियों से बात नहीं करता। मालूम है तीनों काका, आप मेरा जन्मदिन कभी नहीं भूलते। धर्म बेटा, हम तुम्हारा जन्मदिन कैसे भूल सकते हैं? तुम ही तो हमारे असली मालिक हो। बेटा हम तो फिर कहते हैं, वो घर तुम्हारा है, अपने घर वापस आ जाओ। मैंने उस घर से, उस घर की हर चीज से अपना रिश्ता तोड़ लिया है और अपने भाइयों को लेकर यहां आ गया हूं। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। पर बेटा मेरी बात मानने की कोशिश तो। काका तीनू आ गया, इन बच्चों के सामने उस घर का कभी जिक्र मत कीजिएगा। अच्छा बेटा हम चलते हैं, खुश रहो। भैया भैया, ये आदमी कौन है? बचपन से आपके जन्मदिन पर जरूर आता है, कोई रिश्ता है क्या इससे? तीनू, इस दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता मगर फिर भी बहुत गहरे होते हैं। वक्त आएगा तो सब सब बता दूंगा तुझे। रॉबिन, भावना, झूठे मक्कार, कैसे हैं तुम्हारे बच्चे? बच्चे? हाँ, डिंकी ने मुझे सब बता दिया। डिंकी ने तुम्हें झूठ बोला है, मेरे कोई बच्चे बच्चे नहीं है, मैं तो शुद्ध कवारा हूँ। मैंने जिंदगी में किसी बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी, मैं तो खुद जवान पैदा हुआ था। डैडी, ओ डैडी, चलो ना, मम्मी आपको बुला रही है। डैडी, भावना, ये मेरा बच्चा नहीं है। डैडी देखिए ना, ये आदमी मुझे मार रहा है। बच्चे अंदर है ना? हाँ बिठा दिया। अरे रॉबिन, ये रॉबिन को क्या हो गया? आप राधा जी है ना? जी हाँ। ये तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ, आप ही का इंतजार कर रहा था। अचानक टीबी का जबरदस्त दौरा पड़ा और बेचारा बेहोश होकर गिर गया। टीबी? हाँ, बेचारा बेहोश होने से पहले उसकी एक ही इच्छा थी कि उसकी वजह से आप ये ड्रामा मिस ना करें। मैं डिंकी, उसका जिगरी दोस्त, चलिए ना, ये ड्रामा
आप मेरे साथ देख लीजिए रॉबिन की खातिर। राधा राधा राधा। क्या रॉबिन अब इस दुनिया में नहीं रहा? नहीं, अभी तक तो जिंदा है, शायद बच भी सकता है। ये प्रसाद बच्चों में बांट दीजिएगा और उनसे कहिए कि रॉबिन के लिए दुआ करें। कहते हैं कि बच्चों की दुआओं में बहुत असर होता है। कौन से हॉस्पिटल में है बेचारा? क्या मैं उसको जाकर देख सकती हूँ? नहीं नहीं नहीं, वो किसी से नहीं मिल सकता। उसे हॉस्पिटल के काल कोठरी के किसी पिंजरे में रखा गया है। उसके शरीर में टीबी के कीड़े भर गए हैं। डॉक्टर्स कहते हैं वो जिसे भी एक बार देख लेगा उसे भी टीबी हो जाएगी। बेचारा रॉबिन, मुझसे तो उसका हाल देखा नहीं जाता। आपके दिल में अपने दोस्त के लिए कितना दर्द है। मैं रॉबिन को जिंदगी तो नहीं दे सकता, लेकिन अपना कंधा तो दे सकता हूँ और मैं उसे वो जरूर दूंगा। अरे डिंकी, तुम? रेनू जी, आप यहाँ? हाँ, मैं राधा के साथ यहाँ पेइंग गेस्ट रहती हूँ। वो कैसे हैं? वो कौन? दीनू। दीनू? ओ, अच्छे हैं। ठीक है, तो फिर मैं आज ही उनसे मिलने गैराज आऊंगी। नहीं नहीं रेनू जी, गैराज मत आइएगा, वरना दीनू पर आफत आ जाएगी। आप तो जानती हैं, बड़े भैया लड़कियों को देखकर ऐसे भड़कते हैं जैसे महंगाई को देखकर गरीब भड़कता है। आप दीनू को मिलिएगा जरूर, लेकिन जरा सोच समझ के। मैं समझ गई, तू जिसकी बात कर रही है उसका नाम दीनू है। सबसे छोटा भाई है, मैकेनिक है और धर्म गैरेज में रहता है। हाय, जब से उसे देखा है रातों की नींद उड़ गई है, हर समय बस उसी की याद सताती है। अरे मैं भी यही चाहती हूँ, अगर तेरा दीनू के साथ चक्कर चल गया ना, तो तेरी मदद से मेरा भी धर्म के साथ चक्कर चल सकता है। तू एक काम कर, कल अपनी गाड़ी लेकर उनके गैरेज के बाहर जाकर खड़ी हो जा। जैसे ही दीनू कोई गाड़ी लेकर निकलेगा, अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी को ठोक देना। आ जाएगा बॉल बैरिंग, दिखता नहीं क्या रे? और निकल। आप? माफ करना, मेरी वजह से आपका नुकसान हो गया, इसके मरम्मत के पैसे ले लीजिएगा मुझसे। नहीं नहीं, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, तुम जाओ। ये कैसे हो सकता है, मैंने आपका नुकसान किया है उसे पूरा किए बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। कहिए मैं आपके गैराज कब आ जाऊँ? नहीं नहीं, हमारे गैरेज बिल्कुल मत आना, मुझे अपने नुकसान के पैसे भी नहीं चाहिए। तुम अपनी गाड़ी किसी और गैरेज में बनवा लेना। किसी और गैराज में? तुम्हें जलन नहीं होगी? जलन? काहे की जलन? मतलब हमारी इतनी पुरानी जान पहचान होते हुए मैं गाड़ी कहीं और बनवा लूं? जान पहचान? मैं तुम्हें कोई जानता बनता नहीं हूँ। हाँ तो अभी जान पहचान कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रेनू है, मैं एयर इंडिया में एयर होस्टेस हूँ। मुझे उम्मीद है मुझसे मिलकर आपको बहुत खुशी हुई होगी। धन्यवाद, अब हो गई जान पहचान, तो कल सुबह मैं गाड़ी लेकर आ जाऊँ? नहीं नहीं, सुबह बिल्कुल नहीं। दोपहर में? दोपहर? भैया से पिटवाओगी क्या? शाम को। देखिए, मेरे पास सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक बिल्कुल फुर्सत नहीं है। तो ठीक है, मैं रात को 12 बजे के बाद आ जाती हूँ। अरे तू बाल बना रहा है, ये सैंड लगा रहा है, वो क्या रहा है? अरे दीनू भैया, रात के 12 बज गए हैं, लड़की आती ही होगी, जरा स्टाइल में रहना चाहिए ना। अरे बाप रे, ये तो सचमुच आ गई तगड़ू। उसको जाके बोल के मैं यहाँ नहीं हूँ। कुछ कुछ जाके भैया को संभाल, कहीं वो जाग ना जाए। सुनो जी, दीनू से जाकर कहो रेनू आई है। जी, लेकिन दीनू भैया ने तो कहा है वो इस वक्त गैरेज में नहीं है। अच्छा, अगर वो आए तो अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ। तगड़ू, वो चली गई। अरे बाप रे, वाह क्या मर्द हो, एक लड़की से डर कर छुप रहे हो। देखिए रेनू जी, अगर भैया जाग गए तो तूफान खड़ा हो जाएगा। तूफान तो खड़ा हो चुका है और उस तूफान में तुम बुरी तरह से गिर चुके हो। अब जल्दी बाहर आओ और मेरी गाड़ी ठीक करो, वरना भैया तो ऊपर है ना। नहीं नहीं भैया तक नहीं, मैं अभी आपकी गाड़ी देखता हूँ। चलिए, क्या तकलीफ है? स्टार्ट नहीं मिल रहा है, धक्का मारना पड़ता है। बैटरी थकेली होगी, बदल लो। क्या देख रहा है? चल, काम करने को बोलता हूँ तो करता नहीं। चल, खोलता हूँ।
इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छी तरह जाग कर देखो, अंदर बहुत गड़बड़ है। क्या मतलब? नहीं वो, अच्छा तुम्हें कभी सपने आते हैं? सपने? हाँ आते हैं ना। हाँ, किसके? भैया के, डिंकी के, और कभी कभी तो गुच्छी के और डुगडुग के भी आते हैं। क्या मर्द है, जवानी में सपने भी आते तो डिंकी, भैया और डुडुग के। आप क्या पतझड़ की पैदाइश है? पतझड़? आप क्या कवे खाकर पैदा हुई है? कवे? हाँ, जब देखो काएं 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 पक 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 टर टर टर, आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं, अब जाइए यहाँ से। तुम समझते क्यों नहीं देवदास? कौन देवदास? अरे हर उम्र का एक अपना अंदाज होता है, ये जवानी होती है हंसी मजाक के लिए, हंसी हंसी सपनों के लिए, किसी की चाहत में खुद को भुला देने के लिए। कभी कभी आप कितनी अच्छी बातें करती हैं। एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछिए ना। ये जवानी में अंगड़ाइयाँ क्यों आती हैं? लानत है, अंगड़ाई इधर ली और तुम वहां जाकर गिरे, टोटल लॉस। हाय क्या सैंडल है, उतारो क्या? चल हट लोफर। ये टिकट तुम रख लो। ठीक है। वहां मिलेंगे। ओके बाय। ठीक है। आजकल के बच्चे लोग भी कैसे होते हैं, बूढ़े बाप को अकेले छोड़ देते हैं। अरे ऑटो ऑटो। बाबा जहाँ भी जाना चाहता है छोड़ देना। भगवान तेरा भला करे बेटा। डिंकी। अरे दादाजी। डिंकी तुम कितने नेक और रहम दिल हो। दादाजी मेरे पास तो सिर्फ एक ही चीज है, वो है मेरा चरित्र। हाँ वैसे आप कहाँ जा रही हैं? डिंकी तुम जो हमारे नर्सरी के चैरिटी शो में हिस्सा ले रहे हो, मैं उसकी टिकट्स बेचने जा रही हूँ। चलिए इस नेक काम में मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वैसे भी बड़े भैया कहते हैं एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। रॉबिन, अरे उठ उठ, तूने ये घिरे हुए को उठाया है, भगवान तुझे उठा ले। राधा जी आप दर दर की ठोकरे खा के टिकट्स बेचे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप एक काम कीजिए, ये सारे टिकट्स मेरे ऑफिस पहुंचा दीजिए, मैं सब खरीद लूंगा। अरे नहीं, इतना नहीं राधा जी, मैं इस फंक्शन में हिस्सा भी लूंगा, इस डांस कॉम्पिटिशन में। मगर तुम्हारी तबीयत? तबीयत? रॉबिन से तबीयत के बारे में कुछ मत पूछिएगा। क्या कह रहा तू? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि तू हिस्सा ले, नाच कूद गुलाटी खा कुत्ते की तरह। देखते हैं जीत किसकी होती है, तेरी या मेरी। विलियम तुम अच्छी तरह से समझ लो कि डिंकी डांस कॉम्पिटिशन में नहीं पहुंचना चाहिए। आप फिक्र मत करो साहब, डिंकी जिस रास्ते से जाएगा मुझे मालूम है। ये रास्ता तोड़ दो साले की टांगी। जाके कॉम्पिटिशन संभाल, मैं डिंकी को भेजता हूं। आ, 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 आ,
भाई ये मेरा काम है, तू संभाल, तू जा। मेरे जैसा कोई नहीं, हो
जाना मेरे जैसा कोई नहीं, सयाना मेरे जैसा कोई नहीं, तराना मेरे जैसा कोई नहीं, मस्ताना मेरे जैसा कोई नहीं, दीवाना मेरे जैसा कोई नहीं। दिखाई नहीं दे रहा है। अरे चुप कर यार, 6 बज गए यार। लगता है अब तक भैया सो गए। लगता है हमारा इंतजार करते करते भैया सो गए। एक काम करते हैं, घड़ी की सुई घुमाकर रात के 11 बजा देते हैं। अंधेरे में भैया को पता भी नहीं चलेगा कि रात के 11 बजे कि सुबह के 6। ठीक है? ठीक है। जागो जी। भैया उठो भैया, भैया बैठे बैठे सो गए। सुबह होगी क्या? क्या बात कर रहे हैं भैया, अभी तो रात के 11 बजे हैं। 10:30 बजे तो मेरी आंख लगी, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं रात भर के सोया हूँ? दिन भर आप काम करके थक जाते हैं ना भैया, इसलिए आपको ऐसा लगता है। रात तो अभी शुरू हुई है। हो सकता है भाई। आधी रात को मुर्गा कैसे बांग दे रहा है? क्या यार गुजी, मस्ती क्यों कर रहा है? तू मस्ती कर रहा है और भैया को ऐसा लग रहा है कि मुर्गा बांग दे रहा है। भैया इसको मुर्गे की आवाज निकालने की आदत हो गई है। गुजी को? हाँ भैया। ये तो बंदर है, गाना भी गाता है। क्या बात करता है? सच्ची बोलता हूँ, ये दुनिया इतने आगे निकल गई मुझे पता ही नहीं चला। राम राम भैया। राम राम। आधी रात को गंगा राम क्या कर रहा है वो? अरे गंगवा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, जब तक तेरे दिमाग का इलाज ना हो जाए तब तक झाड़ू देने को मत आया कर। जा सुबह आ जाना, चला आता है रात। सुबह? सुबह तो हो चुकी है। चुप, चल पतली गली हो जा, ज्यादा बकवास करना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। चल ठीक है। एक मिनट, क्या बात क्या है? अरे भैया बात कुछ नहीं है, उसको नींद में चलने की आदत है भैया। इसको? हाँ, रात को उठ के झाड़ू लेके पूरे मोहल्ले की सफाई कर देता है। इसकी बीवी इसका इलाज करवा रही है, ठीक हो जाएगा। चल जा तू जा। देख जब तू ठीक हो जाएगा ना फिर आ जाना। आज रात इतना उजाला क्यों है? भैया चांदनी रात है, चांदनी पर्दे के अंदर से छन छन के आ रही है, छन के आ रही है। जाके सो जाओ, ज्यादा छन छन मत करो। भैया गुड नाइट। गुड नाइट। हाय। क्या है, कुछ शर्म है कि नहीं है? एक मिनट भाई, क्या आप बता सकते हैं कि अभी सुबह हुई है या नहीं? मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, यहाँ के किसी रहने वाले से पूछिए आप। गुची के बच्चे, तू मुर्गे की आवाज निकाला था, लगा क्यों किया तूने ऐसा? मुझे लगता है उस गैरेज में किसी रंडवे का भूत है। तेरा चक्कर उस गैरेज में चल ही नहीं सकता, तू किसी भी तरह दिनू को उस गैरेज से बाहर निकाल। लेकिन उसे बाहर निकाल कर कहां ले जाऊं? तू उसे फिल्म दिखाने ले जा थिएटर में, और जैसे ही फिल्म शुरू हो तो अंधेरे में उसका हाथ पकड़ के कह दे आई लव यू। अगर वो गुस्से में भड़क गया तो? एक काम कर, तू उसे मैंने प्यार किया फिल्म दिखाने ले जा, और फिर उसका हाथ पकड़ के कहना मैंने प्यार किया। अगर वो भड़क गया तो कह देना कि तू फिल्म का टाइटल कह रही थी मैंने प्यार किया। मैं आपके साथ पिक्चर अकेले अंधेरे में? देखो अगर अभी तुमने इनकार किया ना तो मैं ऊपर जाके भैया से अभी कह दूंगी कि तुम मुझे रोज छेड़ते हो और आधी रात को अंधेरे में बुलाया है इश्क करने के लिए।
नहीं भैया नहीं, मैं आऊंगा। ये रहा टिकट, बाय। डुग डुग गुड बाय। इस लड़की की तो एक दिन मैं पिक्चर जाएगा, मैं वीडियो पे देख लेता हूँ। थिएटर का मजा कुछ और है बेवकूफ, कल 6 बजे पायल थिएटर। या मर, मतलब जो धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के लिए फिल्म शोले में किया था, तू भी बिल्डिंग की छत पे चढ़ जा और जान देने की धमकी दे दे। ये फॉर्मूला तो बहुत पुराना है रोजी। अरे क्या बात करती है यार, अनिल कपूर ने फिल्म तेजाब में माधुरी के लिए यही किया था। लेकिन अगर उसने मुझे जान देने से रोका नहीं तो मेरा फोटो तो भरी जवानी में दीवार पर लटक जाएगा। ना बाबा ना, ये मुझसे नहीं होगा। तू डर मत, हम तुझे पीछे से पकड़ के रखेंगे, तू सिर्फ धमकी देना। अब वो इतना कठोर भी नहीं कि तुझे जान देने देगा, तो हिम्मत रख। ओके, मैं दीनू को फोन करती हूँ। भाई भाइयों और बहनों, इस देश में कभी वीरों ने आजादी के लिए जान दी थी, तो कभी किसी ने अत्याचार हड़ताल और महंगाई के लिए जान दी। लेकिन आज यहाँ एक नया इतिहास लिखा जाएगा। एक लड़की अपने प्यार के खातिर जान देगी, क्योंकि उसका दिल एक बेदर्दी ने तोड़ा है। हाँ, दीनू कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा, कहीं चला तो नहीं गया? यहाँ हूँ मैं। तुम ऊपर? चलो अच्छा है, जान देने पर तुलियो। ये रोज की खिटखिट से तो छुटकारा मिले, रात के 12 नहीं बजे की। चलो खुदो खुदो। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ धमकी दे रही थी, तुम तो सीरियस हो गए। चल चल क्रोध। देखो दीनू, मैं नई नई एयर होस्टेस बनी हूँ, मुझे लंदन पेरिस रोम घूमने का बहुत शौक है। एक बार सब देख लूं, फिर जान दे दूंगी, ठीक है ना? तुम्हें अकेले कूदने में डर लगता है, चलो मैं भी कूदता हूँ तुम्हारे साथ। चलो चल। मैं जिंदा हूँ। प्यार में कोई किसी के लिए जान मान नहीं देता। छोड़ो ये सब नौटंकी, अगर तुम कुतुब मीनार से भी जम मारती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल रेनु जी, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अरे ये प्यार मोहब्बत रोमांस, उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मैं हूँ, मुझे बताती मैं कोई आसान रास्ता बता देता। अब कौन सा रास्ता रह गया है रेनू जी? आदमी को किसी चीज की कदर तब मालूम होती है जब वो चीज उसके सामने ना हो। अब ऐसा करो, 4-5 दिन अब उससे मत मिलो, फिर देखना तुम्हारी याद में वो कैसे तड़पता है। अरे दिनू, तू कर क्या रहा है? तेरा ध्यान कहाँ है? मेरा ध्यान काम में, और तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ चल जाए ऐसे। अरे जाता हूँ यार, लेकिन तू चिल्ला क्यों रहा है? मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ यार, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। हाँ अच्छा अच्छा, तू काम कर रहा है, लेकिन आज तो कुछ बेचैन नजर आ रहा है, किसी का इंतजार है क्या? मैं क्यों करूँ किसी का इंतजार, अगर वो नहीं आएगी तो क्या मैं काम छोड़ के दरवाजे पे उसकी राह देखूंगा? अगर उसे मेरी फिक्र नहीं है तो मुझे भी रेनू की कोई परवाह नहीं। रेनू? मैंने तो रेनू का नाम तक नहीं लिया, कुछ पूछा भी नहीं उसके बारे में यार। नहीं पूछा तो क्या, मैं बता रहा हूं तुझे, 4 दिन हो गए सली आई नहीं। अरे नहीं आई तो भाई भाड़।
अरे रेणु जी, आप ये टिकट, ये बैग, आप कहीं जा रही हैं क्या? जी हाँ, मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ, आखिरी बार इनसे मिलने और माफी मांगने आई हूँ। तीनू जी, मेरे बचपने और नादानियों की वजह से आपको बहुत तकलीफ पहुंची है ना, मगर मैं क्या करती, अपने दिल के हाथों मजबूर थी, आपके प्यार में अंधी हो गई थी मैं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अच्छा मैं चलूं? आ जाओ, प्लेन छूट जाएगा। अच्छा डिंकी, मैं चलूं? पहुंचते ही चिट्ठी जरूर लिखना। आपने मुझसे कुछ कहा? जी नहीं तो? साला रोकता भी नहीं।
से इकरार हुआ। मेरे घोड़े ने तेरे हाथी को मात दी दी। ये भैया चेकमेट, आप हार गए। आज जानता तूने क्या किया? आज तूने जिंदगी में पहली बार मुझे हरा दिया। अरे नहीं भैया, मैं आपको हरा सकता हूँ? वो तो ये शतरंज पुरानी होगी, इस पर आपकी सारी चालें समझ में आती है भैया। नहीं दिल में गड़बड़े, आज तूने सचमुच मुझे हरा दिया। भैया आपने जिंदगी भर हमको सब कुछ दिया, आज मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। जिसको ऊपर वाले ने दो पहाड़ जैसे भाई दिए हों, उससे बढ़कर तू क्या देगा रे? भैया मैं आपको एक शतरंज देना चाहता हूँ। अरे क्या कर रहा है तू, छोड़। चलो ना भैया। अच्छा एक मिनट, तू मेरे लिए शतरंज लेगा ना, तो फिर मैं भी तेरे लिए एक तोहफा खरीदूंगा। क्या जरूरत है? क्या? Excuse me? Yes, please. कितने की है ये? सुनिए, इसे पैक करके गाड़ी में रख दो। देखिए मैंने पसंद किए। तुम्हारी पसंद से क्या होता है, तुम दूसरी ले लो। तो क्या मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं दिनों तुम दिनों चलिए पर भैया शायद मुझे नहीं चाहिए इस तरह। पर तू चल भैया, तू चल भैया। ये मामूली बात नहीं है रीनू, मैंने अपने भैया से वादा किया था कि आज उन्हें तोहफे में शतरंज दूंगा। छोड़ो ना, मूड क्यों ऑफ करते हो? मैं आज फ्लाइट पे लंदन जा रही हूँ, वहाँ से एक अच्छी सी शतरंज ले आऊंगी तुम्हारे भैया के लिए। तीनू कहाँ है? मेम साहब आज संडे है, तीनू भैया बाहर गए हैं। सुनो कौन हो तुम? जी मेरा नाम रेनू है, आप दिनू के बड़े भैया हैं ना? नमस्ते, मैं आपके लिए ये शतरंज लाई हूँ। तुम शायद वही लड़की हो जो उस रात यहाँ गाड़ी बनवाने के लिए आई थी। जी मैं एक बात तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ, आज के बाद कभी भूल कर भी तुम दिनू से नहीं मिलोगी, समझ गई ना? जहाँ से ठीक है मैं चली जाती हूँ, मगर ये शतरंज तो ले लीजिए। ये शतरंज का तोहफा देकर अगर तुम हम भाइयों की जिंदगी में कोई चाल चलने की कोशिश कर रही हो तो मैं उस चाल को कभी कामयाब होने नहीं दूंगा। नहीं चाहिए मुझे तोहफा। मेरे छोटे भाइयों ने तमाम उम्र मेरी उंगली थाम कर अपनी जिंदगी का रास्ता तय किया है, और मैं नहीं चाहता कोई औरत तलवार भरकर हम भाइयों की जिंदगी में और हमारे हाथ और उंगलियों को काट काट कर अलग कर दे। इसलिए आज के बाद हम भाइयों की जिंदगी में कभी मत आना, दिनों की जिंदगी में मत आना कभी भूल कर। बस भैया ये आपने ठीक नहीं किया। क्या मतलब है तेरा? उस लड़की को मैं यहां नहीं देता, दीने से मिलने देता उसको मैं? भैया वो लड़की दीने से प्यार करती है और दीने भी उसे चाहता है। जो नहीं नहीं झूठ बोलता तू, झूठ बोलता तू। नहीं भैया ये सच है, जाने दे डिंकी, भूल जा सब कुछ। नहीं दिनू, आज अगर जाने दिया तो तेरी जिंदगी से सब कुछ चला जाएगा, रेनू चली जाएगी, तेरा प्यार चला जाएगा, और मैं अपने जीते जी तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा।
क्या मतलब है तेरा? मैं इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं? अगर आप सचमुच इसकी जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहते तो अपनी जिद छोड़कर रेनू को गले लगा लीजिए। कह दीजिए कि आप इसकी शादी करने को तैयार हैं, इनके प्यार को मंजूर कर लीजिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपनी जिद से प्यार है, अहंकार से प्यार है, अपने भाइयों से प्यार नहीं है। शाबाश बेटा, शाबाश। क्या नतीजा दे रहा है तू मेरी सारी जिंदगी की तपस्या, मेरे प्यार, मेरी मोहब्बत का? आज तू ये कहता है कि मुझे अपने भाइयों से प्यार नहीं है। तुम मेरे छोटे भाई, जिन्हें सारी जिंदगी मैंने बाहों के पल्ले में पाल के बड़ा किया, इस छाती की दीवार से चिपका कर सुलाया तुम लोगों को, और तू मुझको कहता है कि मुझको अपने भाइयों से प्यार नहीं है, अपने अहंकार से प्यार है, अपनी जिद से प्यार है। ऐसे लगता है जैसे तुम बहुत बड़े हो गए और मैं तुम्हारे सिवा में इतना छोटा सा बन के रह गया हूं। और छोटे बड़ों का निभा हो नहीं सकता ना, क्योंकि मैं यहां रहूंगा तो मैं तुम्हारी खुशियों के बीच आऊंगा, तुम्हारी जिंदगी के बीच आऊंगा, तुम्हारे प्यार के बीच आऊंगा। मेरे लिए तो बहुत देर हो गई है, मैं अपनी जिंदगी का रास्ता बदल नहीं सकता और तुम लोग मेरे रास्ते पर चल नहीं सकते, तो एक ही रास्ता बचा है, मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूं। नहीं भैया, आप क्यों जाएंगे? ये घर आपका है, आपके खून पसीने की कमाई का है। हमारा क्या है इस घर में? ना हमने पैसा कमाया है, ना हमने खून बहाया है, बल्कि हम तो शतरंज के मोहरे हैं। जहां आपने रख दिया पड़े रहे, जो चाल आपने चली चल दी। बल्कि देखा जाए हम तो एक बोझ हैं आपकी जिंदगी पर, आपके दिल पर। क्यों छिलते इस बोझ को? निकाल दो भैया, इस बोझ को निकाल दो, हम चलते हैं। चल देनो। नहीं डिंकी, मैं भैया को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुझे चलना होगा, मेरी कसम। और आज अगर तू नहीं चलेगा तो मेरा मरा मुंह देखेगा। चल गुची। चल डुग डुग। आज मैं फिर लुट गया, आज फिर एक औरत आई और मेरे बसाए बसाए घर को, मेरे परिवार को उजाड़ कर चली गई। कोची, मैंने जिन पौधों को सारी जिंदगी अपना खून देकर सींचा, आज वो पेड़, अरे वो पेड़ मेरी छाती पे गिर गया। अरे कोची, मुझे सब छोड़ के चले गए। हे भगवान, मुझे मौत दे दे, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मुझे मौत दे दे भगवान, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मुझे मौत दे दे भगवान, मुझे मौत भगवान, मुझे मौत दे दे। रुक 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 जा, यहां मैं कहां लेके जा रही है? रुक 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 डुगडुग, यहां क्या कर रही है? चल वापस। मां, मुझे पार्टी में जाने दे। नहीं रॉबिन, ये औरत तो उस दिन डिपार्टमेंटल स्टोर में थी। ये भैया को देखकर चौंकी थी। आज मैं एक नहीं सुनने वाली। मां, तुम्हें घर पे ही रहना पड़ेगा। आप यहां? आप भैया से क्यों मिलने आते हैं? क्या रिश्ता आपका भैया से? कुछ नहीं, तुम लोग वापस गैरेज जाओ, यहां किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हमने गैरेज और भैया को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। क्या तुमने धर्म को छोड़ दिया?
उस भाई को छोड़ दिया जिसने तुम्हारी जिंदगी में रोशनी करने के लिए अपने आप को जला दिया? क्या जानते हो तुम हमारे बारे में? बताओ हमें, तुम्हें भैया की कसम। सच जानना चाहते हो तो सुनो, ये घर तुम्हारा है, वर्मा ट्रांसपोर्ट का सारा बिजनेस तुम लोगों का है, रॉबिन तुम्हारा सौतेला भाई है और वो औरत उषा तुम्हारी सौतेली माँ है। तुम्हारे पिता सेठ धनीराम बहुत रईस आदमी थे, तुम्हारी माँ लक्ष्मी साक्षात देवी का रूप थी। जब धर्म और डिंकी छोटे थे और दिनू पैदा होने वाला था, तब हम तुम्हारी माँ को लेकर इसी डुगडुग में अस्पताल जा रहे थे। अस्पताल दूर था, रास्ते में मालकिन को दर्द उठा और वो उसी जगह कार में दिनू को जन्म देकर चल बसी। उस दिन के बाद ये गाड़ी डुगडुग जैसे दिनू के लिए मां हो गई। ये दिनू की रक्षा करती, उससे बातें करती, ऐसा लगता मानो मालकिन की आत्मा समा गई हो इसमें। मालकिन के देहांत के बाद तुम्हारे पिता ने दूसरी शादी कर ली। तुम्हारी सौतेली मां उषा तुम लोगों पर बहुत जुल्म करती, रॉबिन के पैदा होने के बाद तो उसके जुल्म और बढ़ गए। मत मारो। बस करो माँ, और कितना मारोगी? मारू नहीं तो क्या आरती उतारू इसकी? मरता भी नहीं मनुष्य। माँ मत कहो ऐसा मेरे डिंकी के लिए। अरे इतना ही दर्द है भाइयों का तो लेके जा, खुद पाल, क्यों पड़े हो हमारे टुकड़ों पर? ठीक है माँ, मैं पालूंगा इन्हें, मेहनत मजदूरी करूंगा लेकिन इन्हें सुखी रखूंगा। ये मेरे भाई हैं, मेरी जिंदगी है। आज के बाद हम इस घर में वापस नहीं आएंगे। उस दिन के बाद धर्म कभी इस घर में वापस नहीं आया। धर्म के दिल में औरतों की दहशत बैठ गई, उसे औरतों से नफरत हो गई। उसने खुद भी शादी कभी इसलिए नहीं की क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी बीवी भी तुम्हारे साथ बुरा सलूक न करे, जुल्म न करे। कहाँ ले जा रहे हैं? भैया हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है भैया। हमारी जिंदगी आप ही की देन है भैया, और हम लोग आप ही की दुनिया में अंधेरा करके चले गए। हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे भैया। तुम लोग गए कहां थे? सुबह का भूल अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम लोग तो शाम होने से पहले ही लौट आए, मगर इस भाई की एक बात याद रखना, इस दुनिया से सबको जाना है एक दिन, कोई नहीं बचेगा। लेकिन जब तक तुम्हारे इस भाई की सांस में सांस बाकी है, तुम इसको मजाक में भी छोड़कर जाने की बात मत करना। हाँ एक बार अर्थी पे लेटा के कंधे पर उठाकर शमशान पहुंचा देना, उसके बाद जा चाहे चाहे चले जाना। नहीं भैया ऐसी बातें मत करो। भैया हमने आपके साये में आंखें खोली है, हम यही आंखें बंद करेंगे, हमें आपके बगैर नहीं जीना है भैया। ए गुची गुची, हम लोगों को माफ कर दे। अकड़ मत, एक गुना तो भगवान भी माफ करता है रे। अगर तूने हमको माफ नहीं किया ना तो हम तेरे पैर पड़ेंगे दोनों। दीनू भैया, दीनू मेम साहब का फोन है। क्या मैं बात नहीं करना चाहता? दीनू भैया कल से 25 बार फोन आ चुके हैं रेनू मेम साहब की, तो बहुत रो रही है, आपसे सिर्फ एक बार बात करना चाहती है। हेलो। हेलो दीनू, मैं रेनू बोल रही हूँ। आज के बाद मुझे फोन मत करना और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। मेरी बात सुनो दीनू, लेकिन तू ये शहर छोड़कर जाएगी कहाँ? कहीं भी, मैं अपना ट्रांसफर करा लूंगी,
यहाँ रहूंगी तो दिनों की बहुत याद आएगी और दिनों से मिलने को दिल करेगा, अब वो मुझसे कभी नहीं मिलेगा। राधा, मैं दिनों के बिना नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। भैया, आप अब क्या लेने आए हैं? अपनी बहू रेनु को लेने आया हूँ। मगर दीनू ने तो इससे बात तक करने से इनकार कर दिया है। तुम अभी छोटी हो बेटी, जब मेरी उम्र को पहुंचोगी तो पता चलेगा कि जो नेक औलाद होती है वो अपने बुजुर्गों की मर्जी के लिए अपनी जिंदगी की बड़ी से बड़ी खुशी जो है उसको कुर्बान कर देती है। दीनू ने अपना फर्ज निभाया, मैं अपना फर्ज निभाने आया हूं। मेरी जिंदगी मेरे भाइयों की खुशी है और मेरे भाई दीनू की खुशी रेनू है। मैं अपने भाई की खुशी लेने आया हूं। भैया, ये रेनू है। ये आपके साथ क्या है कि जब तुम लोग छोटे छोटे थे तो मेरी बात मान लिया करते थे, अब बड़े हो गए हो अपनी मनमानी करते हो, मुझे अकेला देकर मुझको धौंस जमाते हो। मगर मैं अब अकेला नहीं रहा, मेरे साथ मेरी ये बहुएं भी हैं। ए डिंकी, आज रॉबिन के साथ क्या लड़की है यार, भूरी भूरी आंखें, मक्खन जैसे गाल। चल रॉबिन से उसकी लड़की उड़ा लेते हैं। नहीं राजू, जब से पता चला है कि रॉबिन मेरा सौतेला भाई है, उससे हंसी मजाक करने को जी नहीं करता। आज तक तू रॉबिन से उसकी लड़कियां इसलिए उड़ाता था ना कि वो किसी अच्छी लड़की का जीवन बर्बाद ना करे। वो लड़की भी किसी अच्छे घर की है, तू चाहता है कि रॉबिन उसका जीवन भी बर्बाद कर दे। आज जानता है क्या बना है वो? मेरा नाम आनंद है, उसका नाम मिली था। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते थे, मगर अफसोस हमारे प्यार को जमाने की नजर लग गई। उस चांदनी रात हम दोनों हाथ में हाथ डालकर आने वाले कल के हसीन सपने देख रहे थे कि अचानक मेरी बिली का पैर फिसला और वो हजारों फीट नीचे समुंदर की गहराइयों में गिर गई। मेरी आंखों के सामने, और मैं कुछ ना कर सका। मेरी मिली मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। नहीं आनंद बाबू, इस तरह से कोई हिम्मत तो नहीं हार देता। इस हादसे का मुझ पर बहुत बुरा असर हुआ। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे कैंसर है, मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा। वैसे भी मैं मिली के बिना जीना नहीं चाहता। किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती? आप फिर से जीने की कोशिश कीजिए। चल इसकी अर्थी उठाते हैं। आप कितनी अच्छी हैं और मैं कितना बदनसीब। मैं आपसे ये भी तो नहीं कह सकता कि मेरी उम्र आपको लग जाए, मेरी जिंदगी बची कितनी है। आनंद बाबू, आप मेरे साथ चलिए, चलिए आइए। एक मिनट, क्या हुआ? ये पानी, ये मनुष्य पानी मेरी मिली को खा गया, कहीं आपको ना खा जाए। आइए। तुम आप मिस्टर आनंद हैं? नहीं, हाँ मैं मिस्टर आनंद हूं। क्यों, ये आपकी बेटी है? पापा पापा, बेटी? ये मेरी बेटी नहीं है, मेरी दोस्त है। लेकिन आप कौन हैं? मैं सीआईडी इंस्पेक्टर करमचंद हूं। आज एक लड़की मिली है, कहती है कि 2 साल पहले पहाड़ से गिरकर समंदर में बह गई थी। नाम मिली बताती है और कहती है कि मैं आनंद से प्यार करती हूँ। सच? तो क्या मिली जिंदा है? जी, समंदर से मछुरों ने उसे बचा लिया, मगर गिरने की वजह से उसकी याददाश्त खो गई थी। और आज ही वापस आ गई। हॉस्पिटल में वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, आनंद। आपने तो इन्हें ये खबर सुनाकर इन्हें एक नई जिंदगी दी है। आनंद बाबू, आपको तो इनके पैर छूकर इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल, कुत्ते कमीने सूअर, आज इसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। मरने से पहले आखिर इसे इसकी मिली गई। जाओ आनंद बाबू,
मिली तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुझे कितने कीड़े पड़ेंगे? शट अप। कांस्टेबल अमर अकबर एंथोनी। यस सर। इसकी अर्थी उठा, बाबा बाबा, इसे मिली के पास ले जाओ। लेकिन ये, इनकी फिक्र मत करो, मैं इन्हें घर छोड़ दूंगा। तू कुत्ता है, सुअर है, पाजी है, कोर हो जाए, तू अंधा हो जाए, लंगड़ा हो जाए, देख लूंगा मैं तेरे को नेक्स्ट टाइम। गुजी, ये क्या छुपा रहा है? दिखा 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 दिखा। अरे इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़के की तस्वीरें अकेले देखता है? क्या ये बेहुदा तस्वीरें कौन लेकर आया? तू लाया? कौन लाया फिर बताओ, नहीं तो मारूंगा अभी। कहाँ जा रहा है? जा जल्दी। ओ, ये तस्वीरें लाए? बेशरम, बेहया, लुच्चे। अगर मैंने जान से मार डालूंगा मगर मैं की औलाद। दोबारा इसे हरकत जान से मार डालूंगा। गंदा मगर मैंने पागल हो गए? ए डिंकी, रॉबिन देख, फिर लड़की के साथ। तू रुक जा, अभी मैं उस लड़की को किस करके आता हूं। एक मिनट में आता हूं। डिंकी ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तू जा यहां से। रॉबिन मैं अब सुधर के आऊं, तेरी गर्लफ्रेंड तेरी ही रहेगी। अच्छा देख, मैं इस लड़की को बगैर छुए किस कर सकता हूँ? बगैर छुए किस करेगा? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। लगा ले शर्त, लगी 5 रुपए की। लगी 5 रुपए की, किस करके दिखा। तूने से छू लिया, तूने से छू लिया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। निकाल 5 रुपए, मैं जीत गया। हाँ रोबिन, तू जीत गया, मैं हार गया। ये ले 5 रुपए। हार गया ना, मैं जीत गया। अरे क्या जीत गया, वो तुम्हारे सामने मुझे किस करके चला गया। हाँ अरे रे 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 रे, अजीब लड़की है। अब मुझे कह दिया होता मैं पिंजरा ठीक कर देता। वैसे भी भैया हमेशा कहते हैं एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। हाँ। ए माई, ये कुछ खाने को दे माई। ये हमारे आजकल के नौजवान, हमारे देश का भविष्य। बेचारा बचपन से सीधा बुढ़ापे पे चला गया, जवानी देखने को ही नहीं मिली। बड़े भैया देखेंगे तो बहुत नाराज होंगे। बुड्ढे, इस पैसे से पूरा खाना एक साथ नहीं खाना, आदत नहीं है ना, बेहोश हो जाएगा। चल पद्दी गली पकड़ और बाद में पूरे पैसे वापस कर देना। ए बाबा। टिंकी, तुमने अपना सब कुछ इस भिखारी को दे दिया। इंसान क्या लेकर इस धरती पर आया है? खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। और फिर इंसानी तो इंसान के काम आता है, इसीलिए ऊपर वाले से हमेशा दुआ करता हूं कि मैं अच्छा काम करूं, अनजाने में भी किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी को धोखा ना दूं। अच्छा राधा, मैं चलता हूं। बाय डिंकी। अरे अब मैं बाहर कैसे? डिंकी
लो, तुमने अपनी बातों में ऐसा उलझा है कि मुझे पता ही नहीं चला मैं इस पिंजरे में कब कैद हो गई। हाँ, डिंकी नर्सरी आता रहता है और राधा उसके लिए बहुत सीरियस है। सीरियस? राधा डिंकी से? नहीं, ये झूठ है, गलत है ये। नहीं राधा जी, नहीं, ये सब सच है। डिंकी आपके साथ नाटक ही तो कर रहा है। सिर्फ आपके साथ क्या, ऐसी झूठी कहानियां सुनाकर कई लड़कियों को फंसाया उसने, उनकी जिंदगी को बर्बाद किया है। और इस खेल में उसके दोस्त उसकी मदद करते हैं। लगता है आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। आप आइए मेरे साथ। मुझे यकीन नहीं होता राजू, नाटक ही नाटक में मैं राधा को प्यार करने लगा। अब तो जी करता है बस मैं राधा को देखता ही रहूं। अब तो भैया ने भी कुछ खाने को दे माई। राधा वो नहीं। डिंकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यही है ना तुम्हारा वो दोस्त जो भिखारी बनकर आया था? रॉबिन को टीबी थी ना? मेरी एक बात सुन लो डिंकी, बस आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना। तुम्हारा मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है। क्या बात है भाई? कुछ नहीं, कल तक मैं राधा से मजाक करता था तो वो उसे प्यार समझती थी, और आज जब मैं उसे सच्चा प्यार करने लगा हूं तो वो उसे मजाक समझती है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। के फॉर काइट। तुम? राधा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। ठीक है, मैं तुम्हें एक मिनट देती हूँ, जो बोलना है जल्दी बोलो। मैं मैकेनिक हूँ, ज्यादा बात करनी मुझे आती भी नहीं, इसलिए जो कुछ कह रहा हूँ अच्छी तरह से समझ लेना। डिंकी जैसा भी है मगर आज वो तुमसे सचमुच प्यार करने लगा है। तुम उसकी जिंदगी हो, तुम उसका सब कुछ हो, इसलिए गुस्सा छोड़ो और अपना लो उसे। एक बात याद रखना, अपने जिद में किसी दूसरे से प्यार या शादी के बारे में सोचना भी मत, वरना लगन मंडप से उठाकर ले जाऊंगा तुम्हें। सॉरी बच्चों। प्यार का पैगाम लिख दो, दिल पे तेरे प्यार का पैगाम लिख दो। आ जा जिंदगी में तेरे नाम लिख दो, दिल पे तेरे प्यार का पैगाम लिख दो, दिल पे तेरे प्यार का पैगाम लिख दो। दिल पे तेरे प्यार का पैगाम लिख दो।
बस तेरा ही ख्याल, तेरी याद तेरे ख्वाब बस तेरा ही ख्याल। अब तो मुझे याद नहीं दिन महीना साल, आ जा जिंदगी में तेरे नाम लिख दूं। मेरी बात मान और तू प्यार कर ले यार, कुछ प्यार में अजीब सा ही मजा है। रोजी, डिंकी, तुम सबको तो अपना प्यार मिल गया, एक मैं ही बदकिस्मत रही जो आज तक तुम्हारे भैया के प्यार को तरस रही हूं। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर कुछ ऐसा करते हैं कि भैया को हर जगह सिर्फ तुम ही तुम दिखाई दो, और भैया को तुमसे अपने प्यार का इकरार करना ही पड़ेगा। लागू जी 16 नंबर का पाना दे। रोजी, रोजी क्या बात है भैया, ये रोजी रोजी क्या कर रहे हो? रोजी थी अभी यहाँ पर। नहीं भैया, ये तो अपना गुच्ची है, रोजी यहाँ कैसे आ सकती है? अरे बाबा थी अभी। भैया दरवाजा भी बंद है। होता है होता है होता है। भैया क्या क्या हुआ, उछल क्यों रहे हो? मर लिया। कैसे? रोजी के चक्कर में। आपका मतलब है रोजी यहाँ थी? क्या बात है दिनू, भैया को हर जगह रोजी दिखाई दे रही है। होता है होता है। क्या होता है? कुछ नहीं, ऐसे ही होता है भैया। आप अच्छा ठीक है भैया, और टीवी देखते हैं, आज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच है। नहीं नहीं, मैं नहीं देखता। चलो ना भैया। अरे बाबा छोड़ो ना, अरे क्या कर, टीवी देखते हैं। अरे क्या कैच पकड़ा कपिल ने, अजहर ने। अरे कपिल है, अजहर है। अबे बाबा कपिल है, अजहर है, अजहर है। कितने की लग गई? लगी कितने की? जितना तुम बोलो। पूछो भैया से, पूछो भैया किसने पकड़ा? अरे अजहर ने भैया, बोलो। अरे मेरी भी तो सुनो, वो रोजी है। रो इंडियन टीम में रोजी कहाँ से आई? अरे वो क्या है, किधर? वो अजहर है। अरे क्या बात कर रहे हो भैया? नहीं नहीं ये क्या, भैया नहीं ये क्या है? ये अजहरुद्दीन है, ये अजहरुद्दीन ने बालों में फूल लगाना कब से शुरू कर दिया? ये रोजी है। क्या हुआ भैया? देखो ना सोलो, मुझे बेवकूफ बनाने को कहता है, अजहरुद्दीन को कहता है कपिल दे, ये रोजी है देखो। अरे ये रोजी कहाँ है, ये तो तेंदुलकर है। तेरा दिमाग खराब है, ये तेंदुलकर है? ये कौन सा तेंदुलकर है भैया?
होता है, होता है। क्या होता है? अरे भैया चलिए पत्ते खेलते हैं, बड़ा बोर हो रहे हैं, चलिए ना। चलिए तो सही। मैं पत्ते नहीं खेलता। अरे भैया मैं दिमाग ठिकाने पे नहीं, सब उल्टा सीधा दिखाई दे रहा है। लोग बोलते हैं कपिल देव है, तेंदुलकर है। अरे ये भैया इक्का फेंकना। नहीं नहीं बेगम बेगम। अरे नहीं भैया बेगम, नो चीटिंग नो चीटिंग। भैया भैया मैं कह रहा हूँ तुम इक्का फेंको। अरे नहीं क्या मैं इक्का है ना, ये देखो ना ये देखो। अरे बेगम ये सब रोजी है। रोजी भैया आपको पत्तों में भी रोजी नजर आ रही है। होता है। अरे क्या होता है, पागल कर दिया तुम लोगों ने मुझको। भैया भैया आप थक गए हो, आप जाकर सो जाओ। डिंकी। हाँ चलो। जी भैया। रोजी रोजी कहाँ? वो क्या गुच्ची के चश्मे में देखना। गुच्ची के चश्मे में तो शीशा है। अरे चश्मे के ऊपर देखना रोजी का फोटो लगा हुआ है। अरे भैया अगर शीशे के ऊपर रोजी का फोटो है तो पढ़ कैसे सकता है। भैया आपका दिमाग ठीक नहीं, आप जाकर सो जाइए। तो कैसी बात करते हो, वो देखता नहीं फोटो नहीं है क्या? भैया सो जाओ, भैया सो जाओ, सो जाओ। आप सो जाओ, हम लोग ताश खेलते हैं। मुझे दिख रहे ना। कोई बात नहीं, आप सो जाओ, आप चलो चलो जाओ। क्या है कि भैया दिन भर काम बहुत करते हैं ना, इसलिए रोजी रोजी दिखाई देती है। क्या है रोजी? रोजी कहाँ? ये क्या है, रेनु किस पे बैठी है? रेनु कुर्सी पे बैठी है। क्या कुर्सी है? हाँ क्या बात करता है यार तू। क्या हुआ, क्या हुआ, काट लिया? किसने? किसने? कुर्सी ने। अरे भैया कुर्सी के कभी दांत होते हैं क्या? होता है भैया, ऐसा होता है। पहले दिनों भी मुझे ऐसी नजर आता था, 24 घंटे जमीन पर, आसमान पर, इधर उधर सब जगह। भैया लगता है आपको रोजी से प्यार हो गया, इसलिए चारों तरफ रोजी रोजी नजर आ रही है। अरे नहीं बाबा, मुझे किसी से प्यार वार नहीं हुआ, मेरा दिमाग मत खराब करो। बिल्कुल यही। क्या बिल्कुल यही? दिनों भी पहले ऐसे ही कहता था, मगर बाद में वो मेरे लिए इतना तड़पता था जैसे आज आप रोजी के लिए तड़प रहे। भैया हम रोजी को ले आए। तू लेकर आ, मैं तेरी टांग तोड़ डालूंगा। तेरी टांग तोड़ दूंगा। तू तो मेरा अच्छा भाई है ना। तो बताए ये रोजी है ना? ये रोजी नहीं है। कसम से बोल। कसम से नहीं है। तुम? मैं लाख कहूंगा यहाँ रोजी खड़ी है, कोई नहीं मानेगा। एक बात बताओ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं सपने में हूं या तुम सच में मेरे सामने खड़ी हो? बताऊंगी एक शर्त पर। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। एक पपी दो ना। क्या बात करती हो, घर में डिंकी है, दिनों में कोई देखेगा तो क्या कहेगा? भैया हम सब गहरी नींद में हैं, आजा पपी ले ही लो। इन्हें नींद में बातें करने की आदत है, चलो तुम पपी दो ना। पपी ले रहे हो या पक्चर ठीक कर रहे हो? सिर्फ स्टाइल में दो ना। भैया ने पपी ले गया। भैया ने पपी ले गया। भैया ने पपी ले गया। अभी तक आवाज क्यों नहीं आई? चलो हम लोग जाके देखते हैं। मैं कैसे दिखूंगा यार? चलो हम लोग सब जाते हैं। चलो चलो।
तेरा पैसा किधर गिरा? वहाँ गिरा, वहाँ। ओ इधर इधर। भैया? नहीं नहीं, मैं तो रोजी हूँ। तुम्हारा भैया वहाँ है। जब भी मैं कहूँ आज मुझे हर जगह रोजी नजर क्यों आ रही थी? गुजी के चश्मे में, कार्ड में, टेलीविजन में। वो कबीर ने क्या कैच पकड़ा था? अजरुद्दीन ने क्या फूल लगाए थे? नहीं अच्छा मैच रहा था ना? सब आप लोगों चमत्कार था नहीं? मेरा नहीं, ये सब गंदे लोगों ने बोला कि रोजी भाभी को लेके आओ, मैं लेके आ गया। किसको? रोजी भाभी को। उसे बोल फिर से। भाभी बोलो तो दांत तोड़ दूंगा मैं तेरे। मेरा कसूर नहीं, लोगों ने बोला मैंने बोल दिया। वो ना तेरी भाभी ना कभी इस घर में आएगी। क्यों आएगी? कभी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। बिल्कुल उसको नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। गुड नाइट। रोजी, ये क्या? रोजी ये काले कपड़े, ये बेजान चेहरा। मीनू, मेरे प्यार का देहांत हो गया। बचपन से मैंने एक ही सपना देखा था कि एक दिन तुम्हारे भैया मुझे अपना लेंगे, मुझे प्यार करेंगे। अगर अब वो सपना टूट गया, मुझे उनका प्यार कभी नहीं मिलेगा, और अब मैं उनके बिना जीना भी नहीं चाहती, नहीं जीना चाहती। भैया बहुत गड़बड़ हो गई, आपको रोजी के घर जाना ही होगा। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। भैया जिद मत करो, आज सवाल आपके आदर्शों का नहीं, रोजी की जिंदगी का है। भैया रोजी बचपन से लेकर आज तक सिर्फ आपसे प्यार करते आई है, अगर आज आप उसके घर नहीं गए तो वो अपनी जान दे देगी। आगे फैसला आपके हाथ में। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ आपको प्यार करती आई है, अगर आज आप उसके घर नहीं गए तो वो अपनी जान दे देगी। काला कपड़ा तुम पर अच्छे नहीं लगते, ये पहनो। सच्ची बात कहूँ मैं, सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं, अजी
वास्ते तुम्हारे वास्ते तुम्हारे वास्ते दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे भोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे कान में बाली नैनों में कजरा फोटो पे लाली नखरे बड़े मोटे मोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे भोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे जो भड़के दिल मेरा धड़के दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के जुदा हम जीना सकेंगे तुमसे बिछड़ के जीना सकेंगे तुमसे बिछड़ के दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के शोला जो भड़के तो बच गया। अगर पुलिस के हाथ लग जाता ना तो जेल हो जाती।
जेल तो तुम अब भी जाओगे। पुलिस तेरा पीछा क्यों कर रही थी? हाँ बोल, वरना मैं तेरे को जान से मार दूंगा। बोल। हमको क्यों मारता है साहब? आपको मालूम नहीं आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी की आड़ में क्या होता है? बोल क्या होता है? मैं बताता हूँ, तुम्हारी ट्रांसपोर्ट कंपनी की आड़ में जाली नोटों का धंधा होता है। जाली नोट? तुमने ये सब कुछ जानते हुए कुछ किया नहीं? नहीं, क्योंकि ये जाली नोटों का धंधा मैं चलाता हूं। तुम? हाँ, लेकिन कानूनन इस कंपनी के मालिक तुम और तुम्हारी मां है। तुम दोनों के दस्तखत के बगैर इस कंपनी में कुछ नहीं होता। अब अगर तुम पुलिस के पास जाओगे तो सजा तुम्हें और तुम्हारी मां को होगी। हमारा अंधा कानून गवाह और सबूत के बिना पर चलता है। गवाही देंगे हम सब के ये धंधा तुम चलाते हो, और सबूत होंगे वो कागजात जिन पर तुमने और तुम्हारी मां ने अंधों की तरह दस्तखत किए। जानते हो क्या होगा तुम्हारा? जवानी में सजा होगी, बुढ़ापे में बाहर निकलोगे। मगर ये सब गलत है, बेईमानी है। देखो रॉबिन, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। तुम अभी बच्चे हो, हंसने खेलने के दिन हैं तुम्हारे। तुम जाओ और ऐश करो, ये पुलिस और कानून को मैं देख लूंगा। जाओ। कह दिया ना जाओ। राजा, ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। केविन बैंकॉक से आ गया है। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अरे ये क्या? रिमोट कंट्रोल बॉम्ब। ये रिमोट से चलता है। अगर हम इसे किसी बिल्डिंग में फिट कर दें तो रिमोट के सहारे यहां से सिर्फ एक बटन दबाकर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग गिरा सकते हैं। लेकिन हम इसका करेंगे क्या? आज से 10 दिन के बाद दिवाली है। 4 दिन सभी बैंक बंद रहेंगे। 4 दिन के बाद जब बैंक खुलेंगे तो उनमें करोड़ों रुपया होगा। मैंने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को खरीद लिया है। वो हमें सीधा वॉल्ट तक ले जाएगा। वहां से हम असली नोट निकाल लेंगे और अपने जाली नोट रख देंगे। जाली नोटों के साथ ये बॉम्ब होगा। तुम बैंक में ही रहोगे और जैसे ही हमारे आदमी नोट बदल कर निकलेंगे तुम बैंक से बाहर आकर मुझे फोन कर दोगे। मैं यहां से रिमोट कंट्रोल का स्विच दबाऊंगा, ये बॉम्ब अपना काम कर जाएगा, बैंक की पूरी बिल्डिंग उड़ जाएगी। पुलिस यही समझेगी कि यह किसी आतंकवादी का काम है। लेकिन बेटा, नोट बदलने के बाद बैंक उड़ाने की क्या जरूरत है? इसमें हजारों आदमी मर सकते हैं। अबे बेवकूफ, बैंक की बिल्डिंग के साथ साथ हमारे जाली नोट भी जलकर खाक हो जाएंगे। किसी को पता नहीं चलेगा वो नोट जो जल गए असली थे या नकली। केविन जी, रिमोट कब आ रहा है? रीटल से कल की फ्लाइट से लेकर आ रही है। Sorry. It's okay. ये बैग क्यों नहीं खुल रहा है? अरे क्या बात है, क्यों बड़बड़ा रही है? देखना, मेरा बैग खुल नहीं रहा। बैग नहीं खुल रहा, ताला तोड़ दो। अरे रेनू, ये तो तेरा बैग ही नहीं है। तेरे बैग पे तो RR लिखा था ना, इस पे नहीं है। इसमें तो फोन नहीं है। क्यों रीटा, फोन कहाँ है? ये मेरा सामान नहीं है, ये मेरा बैग भी नहीं है। तो तुम्हारा बैग कहाँ है? मेरा बैग? मैं एयरपोर्ट पे एक लड़की से टकराई थी और उस टक्कर में बैग बदल गए। तुम्हारा बैग वो ले गई और उसका बैग तुम ले आए। इरादा, एक काम करना, तू एयरपोर्ट की तरफ जा रही है ना, वहाँ पे ये बैग लौटा दे, और अगर उस लड़की ने मेरा बैग दिया हो तो उसे ला दे प्लीज। ठीक है। वो बैग जरूर उस लड़की के पास में होगा। रेनू, अनीशा नर्सरी, केविन जा, बैग और उस लड़की रेनू
दोनों को उठा ला। जी नहीं, रेनु का बैग अभी तक किसी ने वापस नहीं किया और ना ही किसी ने अपना बैग बदल जाने की शिकायत की है। आप एक काम कीजिए, ये बैग यहीं छोड़ जाइए, जैसे ही कोई रेनू का बैग वापस लाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जी थैंक यू। धर्म सिंह, ये क्या हुआ? रेनू कहाँ है? वो दो आदमी थे, मैंने बहुत रोकने की कोशिश की पर वो रेनू जी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर चले गए। इसका मतलब है सारे फसाद की जड़ वो बैग है जो रेनू गलती से अपने साथ ले आई है। और बैग है कहाँ? उस बैग को मैंने एयरपोर्ट के ड्यूटी ऑफिसर के हवाले कर दिया था। ठीक है, तू रातों को लेकर पुलिस स्टेशन जा। रेनू तू मेरे साथ, हम लोग बैग लेकर आते हैं। चलिए भैया। मैं फिर पूछता हूँ, बैग कहाँ है? मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं जानती। वो बैग राधा एयरपोर्ट वापस कराई होगी। अरुण तू एयरपोर्ट जा, इसका बैग वापस करके हमारा बैग ले आ। ओके। अगर मुझे मेरा बैग नहीं मिला तो फिर तू भी इस दुनिया में नहीं मिलेगी। सौ का नोट? नोट हमेशा मार्केट में चलता है, ये पहला नोट देख रहा हूं जो जमीन पर चल रहा है। अबे रुक, अबे ठहर। Yes? ये बैग हमारे पास गलती से आ गया। ये बैग? थोड़ी देर पहले एक लड़की ऐसा ही बैग लौटाकर कंप्लेंट लिखवा कर गई थी। कहाँ है वो बैग, मुझे दे। जी। अरे कहाँ गया वो बैग? अभी अभी तो यही था। लेकिन वो बैग एयरपोर्ट से कहाँ जा सकता है? उस बैग में रिमोट के साथ रीटा का एड्रेस है। जो भी वो बैग ले गया है ना, वो रीटा के घर जरूर जाएगा। केविन, तो रीटा को उसके घर भेज दे और उसके घर पे नजर रखना। और सुन, रीटा कमजोर है, अगर वो हमारे खिलाफ कुछ भी बोलने की कोशिश करे तो उसे खत्म कर देना। दिनू, एक बात समझ में नहीं आती, इस बैग में ना ड्रग है ना सोना है, सिर्फ कपड़े हैं। फिर इस बैग के लिए उन लोगों ने रेनू का अगवा किया क्यों? कुछ समझ में नहीं आता भैया। भैया भैया ये देखो, लगता है ये उसी लड़की की तस्वीर है जिसका ये बैग है। शायद ये हमें रेनू तक पहुंचा सकती है। मगर ये लड़की अब हमें मिलेगी कहां पे? भैया भैया इसमें बंगले की भी तस्वीर है। रॉकविला, ये लड़की यहीं रहती होगी। भैया भैया आप राधा और रिंकी का यहां इंतजार कीजिए, मैं इस बंगले में जाकर देखता हूं। तुम्हारा बैग मेरे पास है, सीधी तरह से बताओ रेनू कहां है, वरना मैं उगलवाना भी अच्छी तरह से जानता हूं। नहीं, मुझे मुझे कुछ नहीं मालूम। ओ तब क्या हुआ? बैग उसके पास है, मैं उसके पीछे जाता हूं।
हेलो, मैंने रीटा को खत्म कर दिया है और वो आदमी जिसके पास बैग है वो अनिशा नर्सरी में गया हुआ है। ये किसी खतरनाक गैंग का काम लगता है। पहले इस बैग के लिए रेनू किडनैप हुई, फिर रीटा का खून कर दिया गया। आखिर इस बैग में है क्या? इसमें तो सिर्फ कपड़े और ये फोन है। क्या ये? लगता है किसी ने टेलीफोन के अंदर बॉम्ब का रिमोट कंट्रोल छुपाया है। रिमोट कंट्रोल? हाँ, जैसे दूर से हम रिमोट से टीवी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसी तरह दूर से इस रिमोट से हम किसी बम को ब्लास्ट कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल लगता है, इससे बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को उड़ाया जा सकता है। लगता है ये रिमोट किसी गैंग का है जो गलती से रेनू के पास आ गया और अब वो लोग किसी भी कीमत पर इस रिमोट को हासिल करना चाहते हैं। अगर ये रिमोट कंट्रोल उन्होंने रीटा के जरिए बाहर से मंगवाया है तो बॉम्ब भी कहीं जरूर फिट किया होगा। पता नहीं वो लोग किसकी जान लेना चाहते हैं, कौन सी बिल्डिंग उड़ाना चाहते हैं। मैं इंस्पेक्टर प्रताप को बुलाता हूँ, हम ये रिमोट बॉम्ब स्क्वाड के हवाले कर देते हैं। नहीं इंस्पेक्टर, इस रिमोट के लिए उन्होंने रेनू को अगवा किया है। अगर ये रिमोट उन्हें नहीं मिला तो वो रेनू को मार देंगे। और अगर ये रिमोट उन्हें मिल गया तो वो इसे इस्तेमाल करके हजारों इंसानों को मार सकते हैं। कुछ भी हो जाए मगर ये रिमोट। हेलो, वो बैग कहाँ है? मेरे पास है और मैं जानता हूं उसमें रिमोट है। अगर तू रेनू की जिंदगी चाहता है तो आज रात 9 बजे झंकार टॉकीज की पार्किंग लॉट में आ जाना और रिमोट लाना मत भूल। और हाँ, अगर पुलिस या किसी को साथ लाने की कोशिश की तो तुझे तेरी खूबसूरत माशूक की बदसूरत लाश मिलेगी। ठीक, आऊंगा। सुनो, किसका फोन था? किसी का नहीं। दिनू, मेरी बात मान ले भाई, रेनू को तू भूल जा और ये रिमोट इंस्पेक्टर साहब को दे दे। चल भाग, रेनू को बचा ले। मैं कहता हूँ रुको। जा, अपने आशिक से जाकर मिलो। जा। इस लड़की को दिखाकर उससे रिमोट ले लेना, लेकिन इसे उसके हवाले मत करना। इसे वापस यहीं ले आना, इसके जीवन का अंत यही होगा। पर प्रजा, उस बेचारे का कसूर क्या है? कसूर इसका नहीं, कसूर इसकी आंखों का है जिन्होंने हमें देख लिया है। बैंक खुलते ही इसे भी खत्म कर देना, सारे सबूत खत्म हो जाएंगे, हमें किसी बात का डर नहीं रहेगा। गुच्छी, तू ये रिमोट अपने पास रख, रेनू के मिलते हमें इसे भैया के हवाले करना है। और याद रख, ये किसी भी कीमत पर उन लोगों के हाथ नहीं लगना चाहिए, समझा ना? चल जा। डुक डुक, तो बाहर जा, भैया या पुलिस आए तो उन्हें संभाल लेना। रिमोट कहाँ है? मेरे पास है। ला, मुझे दे दो। नहीं, जब तक रेनू मुझे वापस नहीं मिलती मैं रिमोट नहीं दूंगा। रेनू कहाँ है? वो देख उस कार में। अगर रेनू के जिस्म पर जरा भी खरोच आई तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इंसा की बात छोड़ और शराफत से रिमोट मेरे हवाले कर दे, नहीं तो तेरा भेजा उड़ा दूंगा। दिनों रिमोट दे दे। गुची, रिमोट मत देना। गुची, रिमोट दे दे। गुची, गुड बॉय। मैडम, आप बैंक चल के बैंक मैनेजर से लोन की बात कीजिएगा, मैं आपको वहीं पे मिलूंगा। ठीक है। साहब, आपने ये क्या किया? मालकिन को जानबूझ के मौत के मुंह में भेज दिया। बैंक में बॉम्ब होगा, सबके साथ मालकिन भी खत्म हो जाएंगे। हाँ तो क्या हुआ, मैडम भी खत्म हो जाएगी। हम पर कोई शक भी नहीं करेगा, हम भी मैडम की लाश पर दो आंसू बहा देंगे। बरसों से नमक खाया है ना उसका। उस बुढ़िया के मरने के बाद
हम उस निकम्मे रॉबिन से पूरा बिजनेस ले लेंगे। तू जा अरुण से बोल कि बैंक में बॉम्ब रख के मुझे फोन करे। चल। क्या माँ की जिंदगी खतरे में है? हाँ बेटा, उन्होंने बैंक में बॉम्ब रखकर मालकिन को वहां भेज दिया है। मैं अभी बैंक जाता हूँ। नहीं बेटा, तू अकेला है, वहां मैनेजर बाबू के लोग होंगे। तू पुलिस के पास? नहीं, पुलिस तेरी बात का यकीन नहीं करेगी। अब तो एक ही रास्ता है, तू धर्म के पास जा। धर्म? हाँ, तेरा सौतेला भाई। भाई? हाँ बेटा, ये बात मालकिन ने आज तक तुझसे छुपाई। धर्म, डिंकी और दीनू तेरे सौतेले भाई हैं, इस घर के असली मालिक। तू उनके पास जा, वे तेरी जरूर मदद करेंगे, मालकिन की जिंदगी बचा लेंगे बेटा। रवीन, अरे जिस माँ के चार बेटे हैं उस माँ को कुछ नहीं हो सकता। हाँ भैया। चल, अभी पता चला कि वो बम बैंक में है और उसका रिमोट जो है वो प्रजा के पास है, रिमोट में फंसी हुई है। तू एक काम कर, तू रॉबिन को लेकर बैंक में जा, माँ को बचा, मैं दीनू को लेकर मर्डरलैंड जाता हूँ। मैनेजर साहब। माँ, आप लोग सब बाहर जाइए बैंक में बॉम्ब है। माँ तू यहाँ से जल्दी निकल जा, बिल्डिंग में बॉम्ब है। लेकिन बेटा, मुझे कुछ नहीं सुनना, जल्दी जा, निकल जा। तू जाके बॉम्ब को ढूंढना, मैं इन लोगों को संभालता हूँ। तुम लोगों ने आगे बढ़ाया तो मैं इस रिमोट का बटन दबा दूंगा। भाग भाग। क्यों? मेरे हाथ में बॉम्ब है। कहाँ है बॉम्ब यार? हाँ? अभी तो मेरे हाथ में था। कहाँ फेंका तूने? पता नहीं कहाँ गायब हो गया। चल, यहां तो कोई खतरा नहीं है, रिमोट भैया के पास है, वहां चलते हैं। गाड़ी में बम? Fight!
पड़ी। कुची, अरे ये भी बेहोश हो गया। तू एक काम कर, क्या है कि ये भी मेरी तरह वासु है ना, तू इसको लड़की दिखा दे, होश में आ जाएगा। नहीं फिर तो जाना। जा बच्चे जा, तेरी तकदीर आज अच्छी है, तेरे को माफ कर दिया। जा ये सब किया कैसे? क्या बोल रही है? तूने मेरे बाप को मारा था? मारा था क्या? बोल। हाँ, मैंने मारा था तेरे बाप को, और आज तुझे और तेरे भाइयों को भी मार डालूंगा, सबको। बाकी सजा इसको कानून देगा। चलो चलो। राजा, पुलिस आ चुकी है। बैंक में हमारे जाली नोट भी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन वो बम अभी भी उसी गाड़ी में है। अगर हम उस गाड़ी को उड़ा दें तो हम यहां से भाग सकते हैं। अगर मैं ये बाजी नहीं जीत सका तो किसी और को भी जीतने नहीं दूंगा। खत्म कर दूंगा सबको।
इंसान की जिंदगी भी शतरंज की तरह होती है, एक गलत कदम उठाया और सारी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती। बेटा मुझसे भी गलती हो गई, मैंने ही अपने परिवार के जो टुकड़े कर दिए थे वो घर, वो दौलत तुम्हारी है, चलो मेरे साथ घर वापस, आज से हम साथ में रहेंगे सब। सच राधा, अब तुम मुझे मिल गई हो, दुनिया में मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। मुबारक हो गुच्ची, तुम्हें लड़का हुआ है। मैंने न जाना ये तूने न जाना, मैंने न जाना ये तूने न जाना, फिर भी